वेलकम बैक टू मनु में रेसिपीज़। सबसे पहले आप सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। मकर संक्रांति का फेस्टिवल है तो तिल और गुड़ से कुछ ना कुछ तो बनाना बनता है ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक पारंपरिक मराठी रेसिपी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ तिल और गुड़ की पोड़ी। ये खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है फ्रेंड्स, और बनाने में तो बहुत ज़्यादा इजी है। आप मेरे चैनल में आगे देख ही लोगे, तो बने रहिएगा एंड तक मेरे चैनल में, और इस मकर संक्रांति में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली को खिलाइएगा, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही नई सी रेसिपीज़ देखने को मिले। तो चलिए इस संक्रांति के मौसम में बनाते हैं तिल और गुड़ की ये पौष्टिक सी, हेल्दी सी, टेस्टी सी पोड़ी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बाउल भर के मूंगफली ली है, कच्ची मूंगफली। इसे हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे जो है अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है, जलाना नहीं है इसको। अच्छे से हम लोग इसे जब तक अच्छे से भून रही है तब तक आइए हम लोग अपना आटा लगा लेते हैं, ताकि आटा भी अच्छे से हमारा रेस्ट हो जाए। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल भर के गेहूँ का आटा लिया है। उसके साथ मैं आधा बाउल ले रही हूँ मैदा बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो पूरा गेहूँ के आटे में भी बना सकते हैं, या चाहे तो हाफ हाफ भी कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो पूरा भी मैदे में भी बना सकते हैं। बट थोड़ा सा मैदा अगर आप डालोगे तो बहुत ही अच्छा सा खस्ता सा ये रोटी बनती है। अब जो है इसमें मैं डाल दूँगी घी। घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, लाइक 2 चम्मच भर के मैं इसमें घी डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। पहले घी को अच्छे से पूरे आटे में हम लोग मिक्स कर लेंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सा आटा हम लोग लगा लेंगे। घी जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है आटे में। इसे थोड़ा सा हम लोग उंगलियों से ऐसे क्रम्बल कर लेंगे, जिससे कि जो हमारी तिल गुड़ की पोड़ी, जिसे हम लोग मराठी में पोड़ी कहते हैं, वो बहुत ही अच्छी सी बन जाएगी, खस्ता सी। इसे आप कम से कम 8 से 10 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो। अब जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे, एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। हमें ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, नहीं तो फिर फिलिंग जब हम लोग इसमें फिल करेंगे वो पूरा बाहर आ जाएगा। आटा बहुत अच्छे से लग गया है सॉफ्ट सा, थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर घी लगा देंगे, और इसे एक बार अच्छे से हम लोग मल लेंगे, और इसे हम लोग कम से कम एक 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, ताकि ये अच्छे से मतलब सेट हो जाए। आटे को मैं रख देती हूँ कवर करके रेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे मूंगफली भी है वो अच्छे से भून रही है। मूंगफली अच्छे से भून चुकी है, अब मैं जो है इसे निकाल लेती हूँ, और इसे हम लोग ठंडा करके इसे अच्छे से हम लोग मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसका छिलका निकाल के हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये हाफ बाउल भर के मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं जो अनपॉलिश्ड है। ये इजीली अवेलेबल है किसी भी ग्रॉसरी शॉप में। अगर आप 1 बाउल मूँगफली ले रहे हो तो हाफ बाउल भर के आपको तिल लेने, ये रेशियो आपको फॉलो करना है इसके लिए। इसे भी हम लोग हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा हम लोग इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे एक 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। और फिर हम लोग ग्राउंड नट को जब पीस लेंगे, उसके बाद हम लोग ये तिल को भी पीस लेंगे, और इसका पाउडर सा बना लेंगे, दरदरा सा। एकदम ज़्यादा भी हमें पाउडर नहीं करना है, नहीं तो फिर तिल का जैसे पेस्ट जैसे बनना शुरू होता है, क्योंकि ये ऑयल रिलीज़ करना शुरू होता है। सेम विथ ग्राउंड नट्स, तो इसे एकदम भी हमें ज़्यादा पाउडर जैसा नहीं करना है। मूंगफली का पाउडर मैंने कर दिया है, तिल को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक गुड़ लिया है, ये मैंने हाफ बाउल के आसपास लिया है। आप मीठा आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। इसे भी अच्छे से मैंने ग्रेट करके ले लिया है। अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी, मूँगफली और गुड़ को अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है, और इसी में हम लोग ये गुड़ वाला पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे।
सारी चीज़ मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। आप चाहे तो इसमें ये कार्डमम पाउडर मतलब इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, बट मैं इसे प्लेन ही रखना चाहूँगी क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसका खुद का अपना जो टेस्ट लगेगा जैसे तिल का और गुड़ के साथ मूंगफली का, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अब इसमें मैं एक चम्मच भर के घी डाल रही हूँ ताकि सारी चीज़ें ये थोड़ी सी मिलके आ जाए और जब हम लोग इसका एज अ मतलब स्टफिंग इसका तैयार हो जाएगा। अब हम लेते हैं पोई बनाने के लिए या रोटी बनाने के लिए। आटे को मैंने एक बार अच्छे से मल लिया है, आटा भी अपना बहुत अच्छे से रेस्ट हो चुका है। अच्छे से इसे हम लोग एक बार ऐसे मल लेंगे। ठंड में यूजुअली लोग तिल का ज़्यादा सेवन करते हैं क्योंकि तिल की तासीर जो होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, तो ठंड इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे तिल के लड्डू बनते हैं और तिल के जैसे नॉर्थ साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो गजक बहुत ज़्यादा मिलती है या पट्टी मिलती है तिल की, और अगर ये महाराष्ट्र साइड आओगे आप लोग तो वहाँ पे हम लोग लड्डू बनाते हैं, तिल की वड़ी बनाते हैं। तो सब जगह तिल का बहुत अच्छे से यूज़ होता है ठंड में, और संक्रांति में खासकर तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि ऐसे यहाँ कहा जाता है कि जैसे दिन जो होता है वो तिल के समान धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जैसे अभी तक हमारी रात बड़ी थी, दिन छोटा था विंटर्स में, तो ये थोड़ा सा तिल के जैसे संक्रांति के बाद दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। और तिल गुड़ यहाँ पर दिए जाते हैं, हल्दी कुमकुम महाराष्ट्र में किया जाता है, तो संक्रांति को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर किया जाता है हर जगह पे ही। और तिल जो होता है वो एक्चुअली खाना भी चाहिए क्योंकि तिल बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होती है जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है तिल, प्लस डायबिटीज़ कंट्रोल करता है। तो तिल के अपने ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, तो तिल तो हमें यूज़ करना चाहिए। अर्थराइटिस में भी हेल्प करता है तिल, तो यूजुअली हम ऐसे नहीं कि विंटर्स में ही तिल यूज़ करना चाहिए, तो हम थ्रू आउट द ईयर भी तिल खा सकते हैं। वाइट तिल ले लीजिए आप या ब्लैक तिल लीजिए, बच्चों को तो देना बहुत ही अच्छा रहता है तिल। तो जितना हो सके मैक्सिमम हम लोग तिल का सेवन कर सकते हैं गर्मी में, क्योंकि सॉरी सर्दी में, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो अब जो है मैं इसमें से एक छोटा पोर्शन बॉल का ले लूँगी जितना हमें पोली बनानी है, और इसे हम लोग थोड़ा सा हल्का सा सूखा आटा लगा के इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। महाराष्ट्र में ये पोली बहुत ज़्यादा बनाई जाती है फ्रेंड्स, ये स्टोर भी अच्छे से होती है, इसमें बहुत ज़्यादा घी का यूज़ होता है और अच्छे से घी डाल के हम लोग इसे गर्मा गर्म जब खाते हैं ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें हम लोग ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसे हम लोग फिल कर देंगे अच्छी तरह से। और इसे हम लोग जैसे हम लोग नॉर्मल पराठा बनाते हैं या पूरन पोली बनाते हैं उसी तरह से ये भी पोली बनती है। साइज़ आप आपके हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं या मोटा पतला, जैसे आपको रखना है आप उस हिसाब से इसे रख दीजिए। यहाँ देखिए मैंने तवा भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और इसे हम लोग हल्के हाथ से जो है अच्छे से बेल लेंगे। सब तरफ से जो है मिक्सचर अंदर से स्प्रेड हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। इसे थोड़ा पतला ही रखा जाता है तो थोड़ा सा क्रिस्पी सा जो टेस्ट रहता है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है घी के साथ। इसे मैंने बहुत अच्छे से बेल दिया है और तवा भी यहाँ गर्म है, अब हम इसे जो है सेक लेंगे। साइज़ आप आपके हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो भी साइज़ आप प्रेफर करते हैं। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह से क्रिस्पी से हमें सेक लेना है। एक मिनट बाद हम लोग इसे पलट देंगे और फिर इस पर अच्छी तरह से घी लगा के इसे सेक लेंगे हम लोग। रोटी को मैं अब पलट देती हूँ, दूसरी साइड से भी हम लोग इसे अच्छे से सेक लेंगे। दोनों तरफ से हमें अच्छे से घी लगा देना है। और इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें सेक लेना है।
ये चाय के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। अच्छे से हमें इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। ये देखिए बहुत बढ़िया सी बनती है। ये देखिए तिल गुड़ की पोड़ी जो है वो बहुत अच्छे से बन चुकी है, और गुड़ के पीसेस जो है वो जब कैरमलाइज होते हैं ना, बहुत अच्छा सा टेस्ट देते हैं ये। इसे अब मैं निकाल लेती हूँ और ऐसी ही मैं बाकी सारी पोहे भी बना लेती हूँ और इसे हम लोग फटाफट से प्लेट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स टेस्टी सी तिल और गुड़ की पोली जो है वो बन के रेडी है, और जब हम इसे सर्व करेंगे तो इसके ऊपर आप हल्का सा घी डाल दीजिए। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है खाने में, चाहे आपकी पोली ठंडी क्यों ना हो, घी डाल के इसे खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी मकर संक्रांति की तैयारी तो हो चुकी है, मेरे यहाँ पे तिल गुड़ की पोली बन चुकी है, या हल्दी कुमकुम की तैयारी भी हो चुकी है, और पतंग, जैसे कि हम जानते हैं कि संक्रांति में पतंग यहाँ पे उड़ाई जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप भी मनाइए मकर संक्रांति कुछ मीठा बना के, टेस्टी सा डिलीशियस सा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पोली की रेसिपी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पारंपरिक महाराष्ट्रियन रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलती हूँ कल एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी मकर संक्रांति वंस अगेन।